देखो जो रोटेशनल काइनेमेटिक्स है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स के अंदर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन एक ही बात है, तो उसमें एक इक्वेशन लगती है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। जैसे एस इज इक्वल टू वी टी, वही सेम काइनेमेटिक्स है। एस इज इक्वल टू वी टी की जगह एस की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा और टी की जगह टी। उसी तरीके से अगर नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन है, तो ओमेगा टू ओमेगा वन प्लस एल्फा टी या ओमेगा टू का स्क्वायर माइनस ओमेगा वन का स्क्वायर इज टू इंटू एल्फा इंटू थीटा, या थीटा इज ओमेगा वन इंटू टी प्लस हाफ इंटू एल्फा इंटू टी का स्क्वायर। आपको सेम फीलिंग आएगी जैसे आप काइनेमेटिक्स कर रहे हैं, वही सेम चीज़ है। और सिर्फ यही नहीं, कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे भी गिवन होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया ओमेगा इज इक्वल टू जैसे टू टी, और वो ये बोल दे कि थीटा निकालो, तब तो ओमेगा को क्या लिखेंगे, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू टू टी, डी थीटा इज इक्वल टू टू टी इंटू डी टी, और इसे इंटीग्रेट करके अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड ऐसे। ये तो बिल्कुल काइनेमेटिक्स चल पड़ा, मतलब इंस्टेड ऑफ गिवन वी इज इक्वल टू टू टी, मैंने ओमेगा इज इक्वल टू टू टी दे दिया। और जैसे अगर मैं काइनेमेटिक्स में वी दिया करता था, वी की जगह ओमेगा हो गया, और मैं कहता था वी से एक्स निकाल लो, यहाँ से ओमेगा से थीटा निकाल लो, एक ही बात है। तो जो काइनेमेटिक्स के प्रिंसिपल आपने मोशन इन वन डी में पढ़े थे, वही प्रिंसिपल आपने इसमें पढ़ने हैं। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो बस ये सर्कुलर मोशन के अंदर भी कॉन्सेप्ट चलता है, रोटेशनल मोशन के अंदर भी, किसी व्हील के ऊपर किसी भी चीज़ पे ये कॉन्सेप्ट चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, पांच छह न्यूमेरिकल करके इसको क्लोज करके मोमेंट इनर्शिया स्टार्ट करते हैं। तो इसमें शीट ओपन करें, सब्जेक्टिव शीट, ये लो फर्स्ट क्वेश्चन। तो ग्राइंडस्टोन हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड, स्क्वायर करो इसे स्क्वायर। तो क्या गिवन है आपको, एल्फा गिवन है 4 रेडियंस पर सेकेंड का स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब ओमेगा वन इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट एंगुलर स्पीड, यानी कि क्या निकालनी है, ओमेगा टू निकालना है, जब टाइम की वैल्यू 2.5 है, अप्लाई करो ओमेगा टू ओमेगा वन प्लस एल्फा इंटू टी, ओमेगा टू की जगह वैल्यू निकालनी है ओमेगा वन 0 4 × 2.5, आंसर इतने रेडियंस पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल, हमने सर्कुलर के अंदर ये कॉन्सेप्ट किया हुआ है, जस्ट एक रिवीजन है, ये रोटेशन के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। ठीक है, नेक्स्ट करते जाओ। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ द मोटर इंक्रीजेज फ्रॉम, देखो ये क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है F1 600 RPM, का मतलब डिवाइड बाय 60 करके RPS में कन्वर्ट करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है 10 RPS, और ओमेगा वन क्या होता है 2π × फ्रीक्वेंसी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2π के साथ, 2π × 10 का मतलब 20π rads/s, और ये F2 भी गिवन है
1200 बाई 60 आरपीएस, यानी कि एफ टू की वैल्यू है कितनी, 20 आरपीएस। ओमेगा टू की वैल्यू है 2 पाई इंटू एफ टू, ओमेगा टू की वैल्यू है 2 पाई इंटू 20, यानी कि 40 पाई रेडियंस पर सेकेंड ओमेगा टू। और टाइम आपको पता है 20। क्या निकालना है, एंगुलर एक्सलेरेशन निकालनी है। लगा लो ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस एल्फा टी, गिवन गिवन और गिवन, यहाँ से एल्फा निकाल लेना, आंसर पाई आएगा, पाई आंसर आ गया। और हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज इट मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, हाउ मेनी रेवोल्यूशन का क्या करूँ, कितने चक्कर उसने काटे, क्योंकि आपकी बॉडी 600 से 1200 पे आ गई, घूम घूम के चक्कर काट गई, तो कितने रोटेशंस किए उसने, क्या करें, थीटा निकाल के उसके बाद 2 पाई से डिवाइड। कैसे, देखो आपको इसमें ना जब भी नंबर ऑफ रोटेशंस का क्वेश्चन आए, यहां तक तो क्लियर है ना, अल्फा तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा तक क्लियर है, आपको ये बताना है कितने नंबर ऑफ रोटेशंस है। आप एक चीज समझें कि अगर आपके पास 2 पाई रेडियंस एंगल कवर होता है, एक व्हील घूमता है और सेंटर पे एंगल 2 पाई कवर करता है, तो कितने रेवोल्यूशंस या कितने रोटेशंस करता है, एक, तो 1 के लिए कितना करेगा, 1/2 पाई। और अगर मैं आपको थीटा एंगल बता दूं उसने टोटल कितना कवर किया, तो थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, थीटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप ना एक फॉर्मूला ही नोट कर लें नंबर ऑफ रोटेशंस का, तो फॉर्मूला नोट करें नंबर ऑफ रोटेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, थीटा को हमेशा 2 पाई से डिवाइड कर दें, बात खत्म। कभी भी टोटल एंगल आ जाए थीटा, उसको 2 पाई से डिवाइड करके नंबर ऑफ रोटेशंस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको थीटा निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, थीटा निकाल लो, थीटा के लिए ओमेगा 1 टी प्लस हाफ इंटू एल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ओमेगा 1 की वैल्यू तो है मेरे पास 20 इंटू पाई, टाइम की वैल्यू है मेरे पास 20, हाफ इंटू एल्फा मैं निकाल चुका हूँ 20 का स्क्वायर। तो चेक करो थीटा कितना आ रहा है, चेक करना 600 पाई आ रहा है क्या, चेक करो 600 पाई, 600 पाई आएगा। तो नंबर ऑफ रोटेशंस आएंगी 600 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, 300 रोटेशंस, 300 रोटेशंस आएंगे। तो फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लेना नंबर ऑफ रोटेशंस का फॉर्मूला, थीटा बाय 2 पाई। क्लियर है यहां तक, अगर 2 पाई एंगल कवर होता है सेंटर पे सर्कल पे तो एक चक्कर पूरा हो जाता है, यूनिटरी मेथड है, 1 के लिए 1/2 पाई, और थीटा एंगल कवर है इनटू थीटा, तो थीटा बाय 2 पाई हो गया ना। तो टोटल एंगल अगर जैसे 4 पाई है, देखो अगर थीटा 4 पाई है उसको 2 पाई से डिवाइड करो तो 2 चक्कर ऐसे, ठीक है यहां तक। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क अ व्हील इज टर्न फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट का मतलब ओमेगा 1 इक्वल टू 0 थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा पता है 200 रेडियंस, कितनी देर में, इन टाइम 8 सेकेंड। नंबर 1 व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एल्फा निकालो। तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे, थीटा ओमेगा 1 टी हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर, थीटा 200 ओमेगा 1 0 हाफ इंटू एल्फा इंटू 8 स्क्वायर। एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 6.25 रेडियंस पर सेकेंड का स्क्वायर।
आंसर। फिर नेक्स्ट में क्या निकालना है, अगर सेम टॉर्क अप्लाई किया जाए व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 16 सेकेंड। टाइम चेंज हो गया, 16 सेकेंड पे ओमेगा टू निकालना है। अब ओमेगा वन तो जीरो ही था, एल्फा हम निकाल चुके हैं 6.25, तो फिर अप्लाई कर दो ओमेगा टू, ओमेगा वन, एल्फा टी। तो ओमेगा टू निकालना है, ओमेगा वन जीरो, 6.25 × 16 रेडियंस पर सेकेंड इज द आंसर। तो आंसर आएगा ठीक है। यहाँ तक मेथड सबको समझ में आ रहा है कि क्या करना है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में, मोटर ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 RPM। तो 100/60 करके RPS निकाल के ओमेगा वन निकालना पड़ेगा, 2π × 100/60 रेडियंस पर सेकेंड। कम्स टू रेस्ट, ओमेगा टू का मतलब जीरो, रेस्ट इन टाइम टी 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में आफ्टर बींग स्विच्ड ऑफ एज्यूमिंग कॉन्स्टेंट एंगुलर डी एक्सलेशन, कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। फिर से एक बार मतलब थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा बाद में निकलेगा, पहले एल्फा निकलेगा। ओमेगा टू ये लो, इस फॉर्मूले को लगाओ, ओमेगा टू जीरो है, ओमेगा वन 2π × 100/60 है, और यहाँ से एल्फा, और टाइम की वैल्यू कितनी की बना है इसमें 15। तो यहाँ से सॉल्व करके पहले एल्फा आएगा, नेगेटिव में आएगा, अल्फा नेगेटिव में आएगा, कितना आ रहा है अब माइनस 1/9 की 2/9, 1/9, 2/9, 2/9, ओके चेक कर, 2/9, 2/9 पाई भी है, पाई रेडियंस पर सेकंड का स्क्वायर, अल्फा आ गया, चेक करना एक बार फिर से। उसके बाद क्या निकलेगा, थीटा ओमेगा वन टी प्लस हाफ इंटू एल्फा इंटू टी का स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा वन की वैल्यू कितनी है, 2π × 100/60, और टाइम की वैल्यू 15, हाफ इंटू एल्फा हम निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। चलो यहाँ से थीटा आ गया, मैंने बताया था नंबर ऑफ रोटेशन निकालने का तरीका क्या है, थीटा को 2π से क्या कर दें, डिवाइड। आंसर निकालने नहीं आ रहा आंसर, अब मुझे मालूम नहीं आंसर क्या है, पर थीटा जो भी आएगा उसको 2π से डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगे। मतलब मैं ये शीट सिर्फ ये बता रही है कि तुम्हें रोटेशनल काइनेमेटिक्स यूज़ करना आना चाहिए, मतलब इसको भूल मत जाना, रोटेशनल मोशन में लगेगा जब एक व्हील एक टायर स्लो डाउन होगा तेज, क्योंकि रोलिंग करनी है ना, मैंने बताया था अल्टीमेट एम इस चैप्टर का रोल करवाना है टायर को, और रोलिंग स्टार्ट नहीं हुई अभी, टायर घूमा नहीं है, टायर तो डिस्कस ही नहीं किया अभी तक, अभी तो जस्ट वैसे डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा लगेगा कॉन्सेप्ट, तो टायर को तो भी घुमाना है हमने, अभी लगेंगे हफ्ता लगेगा टायर घुमाने में कम से कम। तो टायर का मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन है, तो वो असली मोशन है, तो ये तैयारी कर रहे हैं कि ये भी लगेगा वो भी लगेगा, मोमेंट इनर्शिया भी लगेगा, तीन चीज़ें इकट्ठी लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, देखो वी इस बार वी गिवन है ध्यान से, 72 किलोमीटर पर आवर।
इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। डायमीटर ऑफ द व्हील, एक व्हील का डायमीटर दे रहा है, वो आपको रेडियस भी दे रहा है, 0.25 मीटर रेडियस है और डायमीटर 50 है। इफ द व्हील इज स्टॉप्ड, स्टॉप्ड का मतलब ओमेगा 2 क्या है, जीरो, इन 20 रोटेशंस। अब देखो ना, 20 रोटेशन का मतलब है एक रोटेशन में एंगल कितना है, 2π, एक चक्कर में एंगल कितना है, 2π, 20 चक्करों में एंगल कितना है, 2π × 20, इतना रेडियंस एंगल वो कवर करेगा। तो एंगल कवर्ड कितना है इसमें, 2π, एक चक्कर का 2π और 20 रोटेशंस का इतना एंगल कवर कर गया। तो आपको एंगुलर रिटार्डेशन बतानी है क्या होगी। अब एक प्रॉब्लम है, मुझे चाहिए था ओमेगा 1, ओमेगा 2 उसने दे दिया वी और ओमेगा। देखो मेरे को वी को ओमेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी बात बनेगी, क्योंकि यहाँ से ओमेगा 1 आएगा, ओमेगा 2 आएगा तभी बात बनेगी। अब मैं वी से ओमेगा कैसे कन्वर्ट करूँ, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लेकिन देखो आप बोल तो सही रहे हो, लगेगा भी यही, लेकिन एक रिजल्ट हमने किया नहीं। एक रिजल्ट हम आने वाले टाइम में एक हफ्ते बाद करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और वो ये रिजल्ट है कि अगर कोई टायर घूमता है, गाड़ी का टायर रोल कर रहा है, रोल समझते हो, रोल का मतलब होता है कि घूमना भी और आगे भी जाना, ट्रांसलेशन मोशन भी होना और रोटेशन मोशन भी होना, दोनों मोशन को रोलिंग मोशन बोलते हैं। अगर आप गाड़ी के टायर को ध्यान से देखें तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस मोशन में होता है, ट्रांसलेशन। सेंटर ऑफ मास नहीं घूमता, सेंटर ऑफ मास तो सीधा चलता जाता है। इसके अबाउट जितने पार्टिकल्स हैं वो इसके अबाउट घूमते हैं, तभी तो एक्सिस कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ मास में से। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो सेंटर ऑफ मास किस मोशन में होता है, ट्रांसलेशन, बाकी पार्टिकल रोटेशनल। तो अगर कोई गाड़ी सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी से जा रही है और टायर रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, ये हमने सर्कुलर में नहीं किया रिजल्ट, सर्कुलर में टायर को स्टडी कब किया, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला आर ओमेगा एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है, वी सेंटर ऑफ मास इज आर ओमेगा। ये रिजल्ट हम आने वाले टाइम में करेंगे कि सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी आपको गिवन है और आपको टायर का ओमेगा निकालना है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा से आप निकाल सकते हैं। तो v सेंटर ऑफ मास की वैल्यू है कितनी, यहां पर 20, ये जो वेलोसिटी गिवन है ना, ये एक्चुअल में आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी गिवन है, r की वैल्यू 0.25 है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ये लो, ये आपके पास ओमेगा 1 आ गया। तो v से आपने क्या निकाल लिया, ओमेगा 1 निकाल लिया। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा 2 आ गया, तो ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर इज 2 × α × θ। तो यहाँ से ओमेगा 2 पुट करो, 0 है यहाँ, तो ओमेगा 1 निकाल दिया, थीटा पता है, सॉल्व करके अल्फा निकाल देना आंसर। हाँ, पर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सर्कुलर मोशन का रिजल्ट लगाया विजिकल टू आर ओमेगा। सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी विजिकल टू आर ओमेगा लगती है, इसके अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, दोनों रिजल्ट में फर्क है, पर बाई चांस फॉर्मूला सेम है। तो अगर तुक्के से गलत भी लग गया तो भी वी इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा तो फिर भी निकल ही जाएगा, लेकिन दिखना तो क्लियर चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ऐसा टायर ऐसे चला करेगा, मीन्स ऐसे ये स्टडी किया करेंगे, वी से ओमेगा, ओमेगा से भी ऐसे निकलेगा। ठीक है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 420 rpm। देखो ये फिर से आपको फ्रीक्वेंसी दे रहा है, 420/60 करके आप rps निकाल लेना, ओमेगा 1 निकाल लेना 2π × फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा 1 इज 2π × ये 7 आ जाएगा, तो × 7 रेडियंस पर सेकेंड, स्लोज डाउन एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ
ये माइनस टू बनेगा, स्लो है ना तो रिटार्डेशन है। टाइम निकालना है ताकि फ्लाई व्हील रुक जाए, तो लगा दो ओमेगा टू ओमेगा वन प्लस एल्फा टी, निकाल देना एल्फा, आंसर आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, मिस प्रिंट है, गलत है, स्टेटमेंट सही है उसको, गलत है उसको मत करना, ये लास्ट क्वेश्चन है।